Let's try it. Go. Ready? Get set. Go. Woo. ये है एक पार्क लाहौर का, जो कि यहाँ के बहुत से पार्क में से एक है. फ्री, नो टिकट्स, नो बैरियर्स, नो गेट्स, नो टाइमिंग्स. ओपन 24 आवर्स अ डे, फ्री फॉर एवरीबॉडी. आपको एक आज़ादी का एहसास होता है यहाँ पर. अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ जमजम पार्क, DHFA साइड कराची में. पहले इसकी दीवार की ऊंचाई यहाँ तक थी, तकरीबन 4 से 4.5 फीट तक की. यहाँ से बढ़ा के ऊपर वहाँ तक. अब इस दीवार की टोटल ऊंचाई जो है तकरीबन 10 फीट के करीब है, और 10 फीट की दीवार के ऊपर इन्होंने फिर ये ग्रिल्स भी लगा दी. ये जमजम पार्क की दीवार है, किसी लोगो एरिया की नहीं है. लोग यहाँ पे जंगल से इनकी तसल्ली नहीं हुई, इसके बाद उन्होंने टीन की चादरें लगा दी हैं. आज मैं आपसे जिक्र करूंगा लाहौर और कराची के पार्क के दरमियान जो फर्क है. करूंगा अभी कुछ ही अर्से पहले, रिसेंटली मुझे लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ, और वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ जब मैंने वहाँ के एक पार्क में, जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया का पार्क था, कोई बहुत बड़ा पब्लिक पार्क नहीं था जैसे वहाँ के रेजिडेंशियल एरियाज के पार्क होते हैं, हमारे कराची में भी होते हैं, उसमें मुझे इत्तेफाक हुआ. मैं वहाँ पे 3-4 दिन स्टे मैंने किया, और जब मैं वहाँ जाके उस पार्क में वॉक की तो उसको वहाँ तजर्बे से मुझे उस पार्क को देख के खुशी भी और दुख भी हुआ. खुशी इस चीज़ की हुई कि वहाँ एटलीस्ट चलें, लाहौर में भी सही या पंजाब में, वहाँ के शहरियों के लिए किस कदर अच्छा और हसीन एक इंतज़ाम किया गया था कि जहाँ पे लोग पार्क में जाके अपनी रोज़मर्रा की अपनी एक्सरसाइजेज या वॉक चहलकदमी कर सकते हैं. और वहाँ पे जो पार्क्स हैं लाहौर में वो मोस्टली फ्री हैं. और जिस पार्क का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये पार्क जो मैं ठहरा था लाहौर कैंट के एरिया में, और वहाँ जब मैं जाके मैंने वॉक की, ये खुला है, ओपन पार्क है. यहाँ पे कोई जंगला, कोई गेट, कुछ नहीं. और यहाँ पर हमें कुछ टिकट की ज़रूरत नहीं है. इवन यहाँ पे गेट सड़क के करीब और पार्क के किनारे पे कोई जंगला भी नहीं है. ओपन पार्क है, इट्स एन ओपन पार्क. उस पार्क में ना कोई गार्ड था कि जो आपको शिकारी की निगाह से देख रहा हूँ कि कब आपसे वो 30 रुपये 40 रुपये टिकट के आपसे निकाले और फिर आपको अंदर जाने की इजाज़त दे. ना वहाँ पे गेट था, और तो ना वहाँ पे कोई पार्क की बाउंड्री थी, ना कोई दीवार थी, ना कोई जंगला था. यानी वो पार्क बिल्कुल ओपन पार्क, यानी बिल्कुल रोड के साथ जो फुटपाथ था, और फुटपाथ के साथ इस पार्क की हदूद का आगाज हो जाता था. यानी अगर आप चाहें तो अपना एक पैर उस पार्क की घास के ऊपर और दूसरा उस फुटपाथ के ऊपर कर वॉक करते हुए जा सकते थे. और एक अच्छा हसीन सा एक कुशादगी का एहसास आपको वहाँ पे उस पार्क में या लाहौर के पार्क में जब आप जाते हैं आपको आपको महसूस होता है. ताकि इस पार्क का मुआवजा कर लें जमजमा के उजड़े पार्क के साथ, जिसकी टिकट 30 रुपये है और गाड़ी की टिकट भी 30 रुपये है पार्किंग के लिए, और टाइमिंग के पाबंदी अलग है. ये है लाइफ लाहौरियों की, और वो है लाइफ हम कराची वालों की. नसीब अपना अपना. तो इस चीज़ की खुशी थी कि वहाँ पे लोगों के लिए सहूलियत मौजूद है. इतना एक हरा भरा माहौल, ऊंचे ऊंचे दरख्तों से ढका हुआ वो एक शानदार इन्वायरमेंट, खुशबू, हरियाली की खुशबू, और खामोशी, सुकून, सफाई सुथराई. और दुख साथ साथ इस बात पे हो रहा था कि हम कराची वालों के साथ क्या हो रहा है. जी हाँ, कराची में अगर आप पार्क की बात कर लें तो पार्क का हाल ये है कि इवन जो बड़े बड़े इलाके हैं, DHA के इलाके हैं, डिफेंस के इलाके, कराची के इलाके हैं, हमारे यहाँ जमजम पार्क का जो एरिया है. अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ जमजम पार्क, DHFA साइड कराची में, और यहाँ का आपको थोड़ा सा मैं अहवाल दिखाता हूँ. जी, आपको जो दीवार के दरमियान में ये सेंटर नज़र आ रहा है लाइन का, पहले इस दीवार की ऊंचाई यहाँ तक थी, तकरीबन 4 से 4.5 फीट तक की. बाद में इन लोगों ने इसको बढ़ा के, यहाँ से बढ़ा के ऊपर वहाँ तक तकरीबन 4-4 फीट और ऊंचा कर दिया. अब इस दीवार की टोटल ऊंचाई जो है तकरीबन ये 10 फीट के करीब है, और 10 फीट की दीवार के ऊपर इन्होंने फिर ये ग्रिल्स भी लगा दी हैं. ये जमजम पार्क की दीवार है, किसी लोगो एरिया की नहीं है, या कोई जंग का मैदान नहीं है इसके उस पार, या किसी मुल्क की बाउंड्री नहीं है, सरहद नहीं है, ये सिर्फ जमजमा पार्क. और यहाँ से आप देखिए, इन लोगों ने यहाँ पे जंगल से इनकी तसल्ली नहीं हुई, इसके बाद उन्होंने टीन की चादरें लगा दी हैं. ये एक साफ सुथरी सी रोड है, इस तरह बंगले हैं, पहले जंगला खुला हुआ था तो आप आर पार देख पाते थे, आपको एक अच्छा सा खुला सा एहसास मिलता था जब आपकी नज़र हरियाली में पड़ती थी. अब
ये टीन की मैली चादर पे आपकी निगाह टकरा के वापस आ जाती है। अब कोई समझाए कि टीन की चादर का मकसद क्या था? अच्छा, इससे इनको तसल्ली नहीं हुई, इसके गेट के ऊपर भी इन्होंने ये टीन की चादर से इसको भी ढक दिया। आपको कोई हक नहीं है कि आप यहाँ से झांक के मुफ्त में अंदर देख लें कि अंदर थोड़ी सी आपको हरियाली नजर आ जाए। आपका कोई राइट नहीं है कि आप बगैर पैसे खर्च करें आप जो है इस पार्क की जो सब्जा है, हरियाली है, उससे कोई नफा हासिल कर सकें। कराची इज अ बिग सिटी, कमर्शियल सिटी, हर चीज़ को पैसे में तोल दिया गया है, बेच दिया गया है। यहाँ पार्किंग, सड़कों में पार्किंग करने के पैसे आप अदा करें। अगर आपको पार्क में जाने का शौक है, पहले आप पैसे अदा करें, फिर अपने बच्चों को लेकर पार्क के अंदर जाएं, वरना जहाँ मर्जी जाएं, ये इनका मसला नहीं है। ये देखिए, ताकि बाहर से गुजरने वाले राहगीरों की निगाह अंदर किसी पत्ते पर पड़ ना जाए और वो मुफ्त में वो सब्जे को देख ना ले। उसको देखने के लिए उसको लाजमी कम अज कम 30 रुपए की टिकट फी बनना उसको लेनी है, और अगर 3-4 लोगों की फैमिली तो उसके पास 90 से 100 रुपया सिर्फ अंदर जाने के लिए होना चाहिए। तो फिर आपको यह हक हासिल है कि आप जाके उस हरे भरे पार्क में, जो कि पूरा हरा भरा नहीं होता, आधा उसमें मिट्टी हुआ होता है, फिर आपको हक है कि आप 150 रुपये 120 रुपये खर्च करके आप अंदर जाएं और ताज़ी हवा में सांस लें। और अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए कराची की वो सड़कें, काले धुएं, मट्टी, शोर और वारदातों से भरी सड़कें आपके लिए हाजिर है, वहाँ जाकर जितना मर्जी सांस लेते रहिए। तो यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है कराची में, और लाहौर वालों को खुशकिस्मत है, खुश नसीब हैं, और लेकिन शायद उन लोगों को इस चीज़ की, इस नेमत की कदर नहीं है कि जो हरा भरा माहौल, जो सफाई सुथराई और जो मेंटेनेंस और फ्री में जो सहूलियात उनको वहाँ पास की सूरत में, इसके अलावा उस उनकी सड़कें भी साफ सुथरी हैं, उनके वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर है, जिनको मुयस्सर हैं इस इन सहूलियात की, वो शायद उतनी कदर नहीं करते जो मैंने महसूस किया, जितना जिन्होंने इनकी चीज़ें वहाँ मुहैया की हैं, ये सहूलियात जितनी कदर की वो लोग मुस्तहक हैं, शायद वो लोग उसकी इतनी कदर नहीं करते। इंसान बड़ा नाशुक्र है, जो चीज़ मिल जाती है उसकी उसके लिए अहमियत बाकी नहीं रहती। हम कराची वालों से पूछ लीजिए कि यहाँ कैसे आपको जो है पार्क में दाखिल होने के लिए आपको पहले 3-4 बार सोचना पड़ता है, फिर आप जाएं। आप ज़्यादा डेली जाते भी नहीं। ये एक पार्क है लाहौर कैंट एरिया का, और जहाँ पर मैं कुछ दिन मेरा वहाँ ठहरने का इत्तेफाक हुआ, और मैं वहाँ जब भी वॉक करने जाता और उस आबो हवा में जब सांस लेता तो उसका मेरी सेहत पे, मेरे मिजाज पे, मेरे मूड पे किस कदर पॉजिटिव मुस्बत असर पड़ता, तजर्बे का आपको मौका मिलता है, फिर ही आपको एहसास होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो हमारे कराची वाले भी जो है मुंतजमीन है, खुदारा इस चीज़ को फ्री करें, इस आबो हवा पे टिकट ना लगाएं, इसके ऊपर पाबंदियां ना लगाएं, इसके ऊपर जो आपने टीन की चादरें लगा दी हैं उन चादरों को हटाएं, दीवारों को नीचा करें, हो सके तो दीवारों को गिरा दें, मेंटेन करें, आप लॉ ऑर्डर मेंटेन करें। लाहौर में भी बगैर दीवारों के पार्क हैं, वहाँ पर कोई दीवार कोई जंगला नहीं है, आप फ्री में अंदर जाएं जब चाहें, ना कोई गार्ड है ना कोई चौकीदार है, अमन है और पुरसकून जगह है और ग्रीन, लश ग्रीन पार्क्स, जाके देख के आपके दिल और रूह खुश हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ देखिए इस वीडियो में, अगर पसंद आए इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ से रास्ता नहीं, आगे से आप सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? पार्क। पार्क जा रही हो? आपको पार्क पसंद आ रहा है लाहौर का? जी। यहाँ पे झूले हैं आपकी मर्जी के? जी। पसंद आ रहे हैं आपको? जी। कौन सा ये वाला झूला पसंद आ रहा है आपको? सारे। सारे पसंद आ रहे हैं? यस। ओके, चलो आगे चलते जाओ, आगे चलो।
शुरुआत कर लो। ये सारे यहाँ पे पार्क उमूमन ओपन है, इनमें जंगला भी नहीं है। रोड के पार्क के दरमियान कोई जंगला, कोई इसमें दीवार हाइल नहीं है, यानी इट्स अ वेरी ओपन पार्क। जी ध्यान से चलो। ये है एक पार्क लाहौर का, जो कि यहाँ के बहुत से पार्क में से एक है। फ्री, नो टिकट्स, नो बैरियर्स, नो गेट्स, नो टाइमिंग्स, ओपन 24 आवर्स अ डे, फ्री फॉर एवरीबॉडी। एक आपको एक आज़ादी का एहसास होता है यहाँ पर। जॉगिंग ट्रैक यहाँ पर, एक छोटा सा एक एक्सरसाइज एरिया है मैंने बनाया है, ये भी पार्क के बीचों बीच। और अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, नो टिकट, नो टाइमिंग, फ्री फॉर ऑल। आप आए यहाँ पर, अपनी एक्सरसाइज करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए और हर चीज़ मेंटेन है, किसी चीज़ पर कोई रंग नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। ये है लाइफ लाहौरियों की और वो है लाइफ हम कराची वाले। नसीब अपना ले जी, हम वापस जा रहे हैं अब, और ये मेरे पीछे सारे पार्क का मंजर आपको नज़र आ रहा है। और बस देख लिया पार्क और यहाँ का माहौल अच्छा है, पीसफुल है, यहाँ बैठ सकते हैं आके दिन के किसी हिस्से में भी, शाम में भी। पार्क 24 घंटे अवेलेबल है, खामोशी है, सुकून है, शोर नहीं है, धुआं नहीं है, सफाई है। ऐसे हाँ पता नहीं ये किन बुनियादों में फैसले होते हैं कि किस कौम को या किस शहर के लोगों को उनके नसीबों में क्या सहूलतें आ रही हैं। मैं कर लूँगा, और किस किस से वो चीज़ें निकाल लेनी चाहिए, शहर के लोगों को इससे नसीब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बाद पंजाब के लोग इन सब सहूलियात के बावजूद भी इनके बनाने वाले गवर्नमेंट को कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करते, अल्लाह जाने। राष्ट्रपति का ये रवैया, इसके बावजूद भी सूबे के लोगों को सहूलियात का मिल जाना, ये इसके प्रति क्या हिकमत कोशिश अल्लाह बेहतर जानता है। इसके मुकाबले में हम कराची वालों के लिए जो ज़िंदगी के हालात हैं, जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, वो क्यों हैं, आया कराची वाले लाहौर वालों से ज़्यादा गुनहगार हैं या आपका कोई राइट नहीं क्या बगैर पैसे खर्च करें आप जो है इस पार्क की जो सब्जा है हरियाली उससे कोई नफा हासिल कर सकेंगे।